अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे हैं आप सब। तो आज ही मैंने आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करनी है। आप सब हर साल कुर्बानी करते हैं और खूब मज़े ले ले के बाद में आप गोश्त पकाते हैं और खाते हैं अपने सब दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और आप अपनी जो वेजिटेरियन फ्रेंड्स हैं उनका ज़रा भी ख्याल नहीं करते हैं। तो आज मैंने ये आइडिया निकाला कि क्यों ना हम वेजिटेरियन कुर्बानी किया करें। तो देखिए, हमने एक लैम बनाई है गोभी से, तो इसको हम ऐसी शक्ल देंगे लैम जैसी, और ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी सी यहाँ धनिये में खड़ी हुई है, और बिल्कुल देखने में ऐसे लग रही है जैसे रियल वाली लैम होती है। तो हम इसको काटेंगे, हम इसको पकाएंगे, और जैसे आप खाते हैं कुर्बानी के बाद, बाकी वेजिटेरियन फ्रेंड्स भी खा सकते हैं, वो भी इंजॉय कर सकते हैं। तो आई होप नेक्स्ट कुर्बानी पे आप अपने वेजिटेरियन फ्रेंड्स का ख्याल रखेंगे और उनके लिए भी ऐसी ही कुर्बानी के कोई ना कोई वेजिटेबल या फ्रूट्स वगैरह से एक अच्छा सा बना के और उनके लिए भी आप कुर्बानी उनको विश करेंगे, क्योंकि त्योहार हो तो तभी मज़ा आता है जब मिलजुल के सब एक साथ मनाएं और एक साथ एंजॉय करें। अब ये अगर कुछ अपने इंडियन फ्रेंड्स जो कुर्बानी को नहीं मानते हैं या जो वेजिटेरियन हैं जिनको हम फोर्स नहीं कर सकते कि आप भी ज़रूर हमारी कुर्बानी देखें और आप भी मनाएं, या वो सोचें कि आप ये अच्छा नहीं कर रहे हो, तो जी वो भी खुश, आप भी खुश, हम भी खुश, क्योंकि हमने तो सिर्फ वीडियो बनानी है और सबके साथ थोड़ा सा हंसना खेलना है। ये हरगिज़ भी आपकी कुर्बानी का मजाक नहीं है, ये सिर्फ अपने दोस्तों के लिए जो वेजिटेरियन हैं कि वो कैसे इंजॉय करें, उनके लिए ये वीडियो क्लिप बनाया गया है। तो प्लीज़ मेरे दोस्तों, कोई भी इस बात को बुरा मत मानिएगा, मैंने किसी की दिल आज़ारी करने के लिए नहीं किया है ये सब। मैंने तो ये सोचा कि मिलजुल के सब हम आपस में एक त्योहार को अच्छे से मनाएं। जैसे आप सब भी होली मनाते हैं, लेकिन आपको भी सही से नहीं पता कि होली का कैसे होता है, तो कोई बात नहीं, त्योहार तो त्योहार है।